एयर इंडिया और इंडिगो इंडियन एविएशन मार्केट की दो सबसे बड़ी प्लेयर है। ये दोनों अपने एयरक्राफ्ट फ्लीट को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। जैसे इसी साल फरवरी में एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस को 470 प्लेन्स की ऑर्डर दी। ये ऑर्डर 70 बिलियन डॉलर की थी। इसके बाद इंडिगो ने भी एयरबस को 500 प्लेन्स की ऑर्डर दी, जिसकी वैल्यू 50 बिलियन डॉलर है। और आपको बता दें, ये दुनिया की लार्जेस्ट सिंगल एयरक्राफ्ट परचेज है। देखिए, इंडिया में अभी 700 के आसपास कमर्शियल प्लेन्स हैं, और इन ऑर्डर्स के बाद इंडियन एविएशन सेक्टर यूएस और चाइना के एविएशन सेक्टर के साथ कम्पीट करेगी। लेकिन इतने बड़े ऑर्डर्स के बाद भी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री परेशान है। पर क्यों? क्योंकि शायद बाकी कंपनीज को लग रहा है इनकी डूब। अभी इंडिगो के पास 60% से ज्यादा की मार्केट शेयर है, और एयर इंडिया नेटवर्क, जिसमें अब विस्तारा, एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इन सब को मिलाकर इनकी भी मार्केट शेयर 25% के आसपास है, जिससे आने वाले समय में छोटे प्लेयर्स को कम्पीट करने में परेशानी होगी। वैसे भी स्पाइस जेट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, गो फर्स्ट बैंकरप्सी के कगार पर है, और आकाशा एयर अभी बहुत छोटी है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिगो और एयर इंडिया के लिए कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में इंडिया में 12 करोड़ 32 लाख लोगों ने प्लेन से ट्रैवल की, जो कि 47% ज्यादा है 2021 से। और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक ये संख्या 35 करोड़ हो जाएगी। सरकार का भी कहना है कि इंडिया में एयरपोर्ट्स की संख्या 140 से बढ़कर 220 हो जाएगी 2025 तक, जिससे और पैसेंजर्स बढ़ेंगे। तो इसलिए एयर इंडिया और इंडिगो बहुत कॉन्फिडेंट है इंडियन एविएशन सेक्टर के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं।